तो भाई दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद है। एक्सिस बैंक के एटीएम ले उड़े चोर। सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों ने स्प्रे मारा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बैंक अधिकारियों ने मामले में चुप्पी साध ली है। मैं फजर की नमाज पढ़ के जब यहाँ पे आया दुकान खोलने के लिए, मैं रोज फजर की नमाज के बाद ही दुकान खोलता हूँ अपनी, तो यहाँ चार छह आदमी खड़े हुए थे। और वो उन्होंने एक साहब मुझसे बोले कि आज ये मशीन ही गायब होगी। बस मैं क्या लग रहा है इसमें पुलिस वाले अभी तक तो कुछ आए यहाँ पे? अभी तो मैंने किसी को देखा नहीं भाई साहब। जब से पुलिस वाले यहाँ नहीं है 7:15 बजे से मैंने किसी पुलिस वाले को नहीं देखा। तो मेरी शॉप है गली नंबर 10 में हिमाचल कहना स्टोर के नाम से। मैं अपनी शॉप पर बैठा था, कुछ लोगों ने बताया कि एक्सिस बैंक जो हमारे गुरुद्वारा रोड पे लगा हुआ है एटीएम, इसकी पूरी की पूरी मशीन उखाड़ के ले गए हैं। तो सुनकर बड़ा वो हुआ कि चुनाव का टाइम और ऐसा काम हो गया। फिर मैं अपनी दुकान से उठकर यहाँ आया और देखा तो ये मशीन यहाँ से उखाड़ के ले जा चुके थे। तो शटर गिरा हुआ था जब मैं पहुँचा इस तरह से बनता। तो मैंने जो दुकान के जो मालिक उनसे बातचीत की कि ये क्या हुआ, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हमें सुबह सुबह पता लगा। हमने एक्सिस बैंक के अधिकारियों को फ़ोन किया, उनका सुपरवाइजर आया, उसने देखा फ़ोटो वोटो खींची और उसने पुलिस को कॉल किया। अंदर जो कैमरे लगे हैं जैसा मकान मालिक बता रहा है तो उन पर स्प्रे कर रखा है। और यहाँ देखिए सेफ्टी के लिए कैमरे हैं चारों तरफ, फिर भी उनकी हिम्मत देखिए। देखिए मोहल्ला क्लिनिक वाले कैमरे लगे हुए हैं, ये देना बैंक का कैमरा लगा हुआ है और पूरी की पूरी मशीन उखाड़ के वो यहाँ से ले जा चुके हैं। और अभी तक पुलिस तो हमने देखी नहीं कि आई कि नहीं आई, बट वो बता रहे हैं कि उन्होंने पुलिस को कॉल किया था बैंक वालों ने और अंदर की फ़ोटो वोटो खींच के वो चले गए और इस शटर को गिरा दिया। एक दरवाज़ा ये इसे तोड़ के मशीन की पूरी पूरी निकालेगी।